लोग अपने घरों में लड्डू गोपाल की स्थापना करते हैं। मुख्य रूप से जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल का घर में आना शुभ माना जाता है। लड्डू गोपाल घर के मंदिर में स्थापित करने से घर में खुशहाली के साथ धन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। यदि आपको जानकारी नहीं है, तो आज हम आपको उन 16 नियमों के बारे में बता रहे हैं, जिन बातों का ध्यान रखना होता है। वन, सबसे पहले तो यह बात मन में बैठाना बहुत आवश्यक है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है, वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसलिए मेरा घर का भाव मन से समाप्त होना चाहिए, अब वह लड्डू गोपाल जी का घर है। दूसरी विशेष बात यह कि लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य है। सत्य तो यह है कि अब आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार है। अतः लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान किया जाए। तीन, परिवार के सदस्य की आवश्यकताओं के अनुसार ही लड्डू गोपाल जी की हर एक आवश्यकता का ध्यान रखा जाए। चार, एक विशेष बात यह कि लड्डू गोपाल जी किसी विशेष ताम झाम के नहीं, आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे। अतः उनको जितना प्रेम जितना भाव अर्पित किया जाता है, वह उतने आपके अपने होते हैं। पांच, प्रतिदिन प्रातः लड्डू जी को स्नान अवश्य कराएं, किंतु स्नान कराने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस प्रकार घर का कोई सदस्य सर्दी में गर्म पानी व गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करें। स्नान के बाद प्रतिदिन स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। छह, जैसे आपको भूख लगती है, उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। अतः उनके भोजन का ध्यान रखें। भोजन के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता और शाम के चाय नाश्ते आदि का भी ध्यान रखें। साथ घर में कोई भी खाने की वस्तु आए, लड्डू गोपाल जी को हिस्सा भी उसमें अवश्य होना चाहिए। आठ, प्रत्येक मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध करना चाहिए, मौसम के अनुसार ही वस्त्र पहनाने चाहिए। नौ, लड्डू गोपाल जी को खिलौने बहुत प्रिय हैं, उनके लिए खिलौने अवश्य लेकर आए और उनके साथ खेलें भी। दस, समय समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने भी अवश्य लेकर जाएं। ग्यारह, लड्डू गोपाल जी से कोई ना कोई नाता अवश्य कायम करें, चाहे वह भाई पुत्र मित्र गुरु आदि कोई भी क्यों ना हो, जो भी नाता लड्डू गोपाल जी से बनाए उसको प्रेम और निष्ठा से निभाएं। बारह, अपने लड्डू गोपाल जी को कोई प्यारा सा नाम अवश्य दें। तेरह, लड्डू गोपाल से प्रेम पूर्वक बातें करें, उनके साथ खेलें। जिस प्रकार घर के सदस्य को भोजन कराते हैं, उसी प्रकार उनको भी प्रेम से भोजन कराएं। चौदह, प्रतिदिन रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराएं, जिस प्रकार एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं, उसी प्रकार से उनको भी सुलाएं। पंद्रह, प्रतिदिन प्रातः प्रेम पूर्वक पुकार कर उनको जगाएं। सोलह, किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, इसलिए उनको मात्र प्रतिमा न समझ कर घर के एक सदस्य के रूप में ही उनके साथ व्यवहार करें। यूं तो और भी बहुत से कार्य हैं जो भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं, किंतु यदि इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो लड्डू गोपाल जी को सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है।